हेलो एवरी वन व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई चैनल क्लैश विद अवेज जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंड की स्ट्रेटजीज जो आपको ईजीली थ्री स्टार दिला सकती है होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में यो वेलकम गाइज सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बहुत ही ओवर पावर्ड ग्राउंड आर्मी पैकाज स्मैश मास पैकाज आर्मी भी बोल सकते हैं टाउन हॉल टेन के लिए जो बहुत ही इजीली आपको कोई भी बेस पर थ्री स्टार दिला सकती है सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक की ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ये एक एक्टिव चैनल है सो तो आपको क्लैश ऑफ फ्रेंड्स की नई नई स्ट्रेटजीज हमेशा मिलेगी सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब सब्सक्राइब आइकन एंड हिट द बेल आइकन चलिए फिर बढ़ते आज के वीडियो की तरफ आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही असम आर्मी गो वाइप जी हाँ ऐसे जैसे ही हमने हो वाइफ यूज़ किया था हॉग हॉग राइडर्स विजार्ड और पैका इसी में यूज़ करने वाला हूँ गो वाइफ सिर्फ हॉग राइडर्स की जगह हम यूज़ करेंगे गोलम्स विजार्ड्स एंड पेकास चलिए फिर देख लेते हैं आज की आर्मी आज मैं यूज़ करने वाला हूँ दो गोलम पाँच पैकाज थर्टीन विजार्ड्स और थ्री आर्चर्स स्पेल्स में मैंने लिए चार स्पेल्स, एक रेज दो हील स्पेल और एक फ्री स्पेल चार अर्थकोक्स से आपको पता ही होगा कि हमें वॉल्स डाउन करनी होगी और सीसी में मैंने लिया है मेरा फेवरेट ए टी सुपर आर्चर और साथ ही में एक हॉग राइडर या जायंट जो लेना है वो अगर आपको ये सीसी नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह हॉग राइडर्स भी ले सकते या फिर बोलर्स भी ले सकते और पॉइजन लिया है मैंने और एक सी वॉल रेकर चलिए फिर बढ़ चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अटैक की तरफ लेट्स रोल आउट फॉर द अटैक गाइस देखिए ये बेस मिला है हमें यहाँ पर भी हम एक अटैक कर रहे हैं विदाउट सीज नई सीज यूज़ कर रहे हैं हम तो मैंने डाल दिए दो गोलम्स और उसके पीछे वॉल ब्रेकर और फिर डाल दिए सारे पैके जैसे ही वॉल टूट जाए डाल दिए सारे पैकाजर्ड बार्बर किंग आर्चर क्वीन और जैसे ट्रूप सेंटर में बहुत ज़्यादा डाल दिया है रेज और हील और इन्फर्नो को और हीरो को फ्रीज कर दिया है और अब सेंटर की वॉल्स तोड़ देनी है चार अर्थ को एक यूज़ करके पैकाज जो है वो कोई भी आर्मी में काम आ सकते हैं आपको देख देखा ही होगा आपने हो, हो वाइफ है पैकाज मैश है ये गो वाइफ है सो पैकाज हमारे बहुत ही यूज़फुल है बहुत पावरफुल बट पावरफुल है सो इजीली आपको पैकाज थ्री स्टार दिला सकते हैं कोई भी आर्मी में आप यूज़ कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ईज़ीली हमारा अटैक थ्री स्टार की तरफ बढ़ रहा है बिना कुछ किए थ्री स्टार मिल रहा है हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है सिर्फ गो वाइफ आर्मी यूज़ करिए आपको इजीली कोई भी बेस पर थ्री स्टार मिल जाएगा चाहे वो वॉर हो या मल्टीपेयर बेटर सो so गए समय मिल चुके हैं हमारे परफेक्ट थ्री स्टार्स चलिए बढ़ते हैं एक और अटैक की तरफ यूजिंग गो वाइप आर्मी देखिए ये बेस पर मैंने अटैक किया भले ही मैक्स ना हो आप, आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे अटैक करना है अगर आपको मैक्स बेस मिले फिर भी आप अटैक थ्री स्टार कर सकते यहाँ पर सीसी की पोजीशन देख लीजिए तो so, मैंने डाल दिए दो, गोल, दो गोलम्स और उनके बीच में वॉल वॉल रेकर और फिर डाल दिए सारे पैकेज और विजर्ट्स और जैसे ही वॉल टूट जाए हम डाल देंगे हमारे बाजब किंग एंड आर्चर क्वीन और सेंटर की वॉल्स तोड़ है अर्थक्वेक स्पेल यूज करके यहाँ पर हमारे ट्रूप सेंटर में पहुँच चुके हैं तो मैंने यूज़ कर लिया हीलर रेज तो so गाइज़ आपको लग रहा होगा कि अटैक फेल होने वाला है लेकिन नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते गोलम येटी पैका आर्चर क्वीन बहुत सारे बचे हुए सो आप टेंशन मत लीजिए ये आर्मी आपको थ्री स्टार दिला जाएगी कोई भी बेस हो और इसी के साथ लास्ट डिफेंस भी डाउन हो चुका है जो था आर्चर टावर सो अब इजीली हमारे जो ट्रूप्स है वो पूरा बेस डाउन कर देंगे एक कैनन बचा हुआ था उसे भी डाउन कर दिया है सो अब जो ट्रूप्स बचे हैं वो बेस क्लियर करने जाएंगे देख सकते हैं आप एक जगह है आर्चर क्वीन और कोलम और दूसरी साइड हमारा पैका जा रहा है बिल्डर हट हाँ डिस्ट्रॉय करने सो इजीली ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक यूजिंग द गो वाइप आर्मी चले बढ़ते एक और अटैक की तरफ गोवाइप आर्मी के साथ देख लीजिए आप कैसे अटैक करना है कोई भी बेस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आपको इजीली थ्री स्टार मिल जाएंगे ये आर्मी यूज़ करके यहाँ पर देखिए मुझे मैक्स वॉल वॉलर मिल चुका है सो अब ये अटैक करने में मज़ा आएगा क्योंकि वॉलर हमारा एकदम सेंटर तक जाने वाला है तो मैंने डाल दिए गोलम्स उनके पीछे पैकाज विजार्ड और फील्ड डाल देंगे वॉलर और जैसे ही वॉल्स टूट जाए आपको डाल देना है बार्बलियन किंग एंड आर्चर क्वीन और अब ध्यान रखेगा यहाँ पर वॉल रेकर मैक्स है तो इसीलिए अर्थक्वेक जल्दी यूज़ मत कर लीजिएगा सेंटर में यहाँ पर सब सेंटर में पहुँच चुके हैं तो रेज और हीट डाल दिया है अब देखिए सेंटर के बाद में मैंने डाल दिया अर्थक्वेक स्पेल तो ध्यान रखेगा आपका वॉल रेकर जहाँ फूटता है ना उसके बाद ही आप अर्थक्वेक यूज़ करिएगा देख सकते हैं आप क्या असम awesome आर्मी है ईजिली कोई भी बेस पर हम थ्री स्टार कर पा रहे यूजिंग द गो वाइप आर्मी पैकाज मैसिव पैकाज है गोलम्स है गोलम का प्रोटेक्शन पैका का एक्शन और हमारी आर्चर क्वीन की फाइट सो गाइस इजीली कोई भी बेस पर हम थ्री स्टार कर पा रहे यूजिंग द गो वाइप आर्मी देख सकते हैं आप सो so इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आर्मी आपने यूज की थ्री स्टार मिले या नहीं चलिए बढ़ते एक और अटैक की तरफ आर्मी हो चुकी है रेडी लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक चलिए ये बेस मिला है देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट मैक्स है सिर्फ थोड़े से वॉल्स बचे हैं और हीरो बचे हैं सो ये आप मैक्स बेस कंसीडर कर सकते हैं इसे चलिए फिर अब मैक्स बेस पर अटैक करना है हमें सो मैंने डाल दिए गोलम्स सारे पैकाज उनके बीच वीजार्ट वॉल ब्रेकर और फिर जैसे ही वॉल्स टूट जाए हम डाल देंगे बारबियन किंग एंड आर्चर क्वीन देखिए वॉल्स टूट चुकी है तो मैंने डाल दिया है बारबियन किंग आर्चर क्वीन और यहाँ पर लेवल टू का वॉल ब्रेकर है तो ये सेंटर में नहीं पहुँच सकता इसीलिए मैंने सेंटर में डाल दिया है अर्थक्वेक चार अर्थक्वेक और अब सारे ट्रूप सेंटर में पहुंच चुके हैं तो वहाँ पर डाल देंगे रेज और हील और इन्फर्नो को कर देंगे फ्रीज आर्चर क्वीन पे डाल देंगे पॉइजन सो देखिए लास्ट बचा हुआ हील भी मैंने यूज़ कर लिया है सेंटर पर सारे मैक्सिमम ट्रूप जो है वो सेंटर में ही है सो उन्हें हील मिल जाएगा सो वो आपको इजीली थ्री स्टार दिला जाएँगे चलिए देखते हैं थ्री स्टार हो पाता है या नहीं सो so गैस हमारे ट्रूप्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं सो so, ये अटैक भी इजीली थ्री स्टार हो जाएगा सिर्फ बचे दो आर्चर टावर और हमारे ट्रूप्स जो है वो बचे एक गोलम आर्चर क्वीन फुल आर्चर क्वीन ऑलमोस्ट फुल हेल्थ पे एबिलिटी भी बची हुई है सुपर आर्चर बार्बियन किंग और पैका सो so, ये अटैक भी हम पैका देखिए पैका एक नहीं है पैका दो तीन दिख रहे हैं so, सो ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक यूजिंग द गो वाइप आर्मी एन ऑसम एन ओवर पावर्ड आर्मी आप इसे जरूर यूज कीजिएगा आपको थ्री स्टार मिल जाएगा चाहे वो वॉर हो या मल्टीप्लेयर बैटल हो ऑसम अटैक गाइस वंडरफुल चलिए फिर बढ़ते एक और अटैक की तरफ यूजिंग द गो वाइप आर्मी गोलम विजार्ड पैका चलिए आर्मी हो चुकी है रेडी ढूंढे अपोनेंट को अटैक करने के लिए देखिए ये बेस मिला है देख सकते हैं अभी तो एक फुल्ली मैक्स बेस है सिर्फ हीरोज़ बचे हुए वॉल्स तो सारे मैक्स है सो अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि मैं मैक्स बेस पर अटैक नहीं कर पा रहा तो आप देख सकते हैं मैक्स बेस पर कैसे अटैक करेंगे हम यहाँ पर मैंने सी सी चेक करने के लिए दो आर्चर डाल दिए थे और अब डाल देंगे सारे गोलम्स उनके पीछे पैकर्स वॉल ब्रेकर और विजार्ट जैसे ही वॉल्स टूट जाए हम डाल देंगे बार्बियन किंग एंड आर्चर क्वीन और अब देखिए ये वॉल ब्रेकर जो है वो सेंटर में पहुंच रहा है तो हम थोड़ा साइड पर डालेंगे अर्थक्वेक इन्फर्नो के पास में मैक्सिमम मैक्सिमम वॉल्स डाउन करने के लिए देख सकते हैं आप डाल दिया है मैंने अर्थक्वेक स्पेल और जैसे सारे रोड सेंटर में पहुँच जाए तो वहाँ पर डाल देना है रेज और हील और इन्फर्नो को कर देना है फ्रीज दोनों इन्फर्नो जो है वो डाउन हो चुके हैं ओपोनेंट की आर्चर क्वीन भी डाउन हो चुकी है सी सी था एम टी सो इजीली ये अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार पैकाज जो है वो दिखते नहीं है पर बहुत सारे बचे हुए होते और गोलम्प गोलम्स भी बचे सुपर आर्चर ये टी आर्चर क्वीन विथ फूड हेल्थ एंड एबिलिटी सो ये अटैक भी हमारा एक ईजीली थ्री स्टार हो जाएगा गाइस अगेंस्ट द टाउन हॉल टेन मैक्स बेस देख सकते हैं आप क्या बढ़िया अटैक हुआ है गोवाइ आर्मी के साथ इसीलिए हमें कोई भी बेस पर थ्री स्टार मिल रहे हैं सो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये आर्मी आपको थ्री स्टार मिले या नहीं यहाँ पर और एक अटैक हमारा इजीली हो जाएगा थ्री स्टार जो बचे हुए बिल्डिंग्स है हमारे ट्रूप्स क्लियर कर देंगे अब बच्चा है सिर्फ़ एक बिल्डर हट उसे भी हम इजीली डिस्ट्रॉय कर जाएंगे टाइम बहुत सारा बचा हुआ है सो ये अटैक भी हमारा हो जाएगा इजीली थ्री स्टार अटैक परफेक्ट थ्री स्टार अटैक यूजिंग द गो वाइप आर्मी यो चलिए बढ़ते एक और अटैक की तरफ यूजिंग द गो वाइप आर्मी आर्मी हो चुकी है रेडी लेट्स रोल आउट फॉर द अटैक गाइस देखिए ये भी एक मैक्स बेस है सारे वॉल्स मैक्स है सिर्फ हीरोज नहीं है तो ये भी एक मैक्स बेस मिला है हमें चलिए फिर बढ़ते अटैक की तरफ डाल देंगे गोलम उनके पीछे पैकास और फिर वॉल उसके बाद डाल देंगे विजर्ट जैसे ही वॉल टूट जाए हम डाल देंगे बार्जियन किंग आर्चर क्वीन और एक बचा हुआ पैका यहाँ पर देखिए वॉल रेकर्ड सेंटर में पहुँच चुका है इसीलिए मैंने दूसरी कॉर्नर पर डाला है अर्थव स्पेल और इन्फर्नो को फ्रीज़ कर दिया है ट्रूप सेंटर में पहुँच गए और डाल दिया रेजन रेज फ्री रेज एन हील और आप देख सकते हैं बहुत सारे सारे के सारे पैकेज हमारे सेफ़ है ये टी भी सेफ है विजार्ट दिख रहे होंगे आपको आर्चर क्वीन मतलब मोस्ट ऑफ ट्रूप्स हमारे बचे हुए गोलम भी दिख रहा है सुपर आर्चर सुयर अटैक भी हमारा हो जाएगा परफेक्ट थ्री स्टार अटैक अगेंस्ट अ टाउन हॉल टेन मैक्स बेस देख सकते हैं आप सिर्फ एक बचा है मोरतार दोनों के दोनों गोलम्स हमारे बचे हुए और पाँचों पैकेस दिख रहे होंगे आपको साथ ही साथ बार्बियन किंग आर्चर क्वीन और यहाँ पर चार विच तो देख सकते हैं आप सिर्फ थोड़े ड्रोप्स जो है वो हमारे डाउन हुए बाकी सारे के सारे बचे हुए सीयर अटैक भी हमारा हो गया एक ऑसम थ्री स्टार अटैक वॉट एन ऑसम अटैक गाइज अगर आपको ये अटैक अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिल आपसे अगले वीडियो में टिल द एंड स्टेट यून बाई गाइज सी यू सून